देखते हैं बारिश के मौसम में बाल बिल्कुल नहीं जमते हैं, ऊपर से पता नहीं कैसे अजीब अजीब से हो जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीसी व्लॉग्स में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप देख रहे होंगे रेस्टोरेंट के बाहर आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक मोस्ट अवेटेड बर्थडे पार्टी का मतलब इंतज़ार था हमको काफ़ी टाइम से, और वो किसकी है अभी मैं बताता हूँ। जो हमको बहुत टाइम से गोली सेट कर रहे थे आज वो पकड़ में आए, और आज उन्हीं की बर्थडे पार्टी जो आज हम लेके ही मानेंगे। मेरे तीन भाई और आ रहे हैं तो आज हमने उनको बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा और आज वो पार्टी होके रहेगी। मम्मी भी साथ में, मम्मी बताओ तो सी इनको ये मोस्ट अवेटेड बर्थडे पार्टी, चलो बता दो। इसकी नानी सा की मेरे मम्मी की बर्थडे पार्टी जो बहुत दिनों से आगे बढ़ा रहे थे वो आज हम आज पकड़ में आ गए, वो उनको पकड़ के। और पीछे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस समय अभी, ये देखो पानी भरा हुआ है, लेकिन आज तूफान के अंदर में हमने उनको मना लिया है कि वो आए और हमको पार्टी दे, आ नहीं रहे अभी भी, आज गोली नहीं हो जाएगा कहीं वापस। आ गई है मेरी नानी सा और यही है फाइनेंसर आज की, बोल दो। क्या बोलूँ, मच अवेटेड बर्थडे पार्टी है जो कि हमको गोली दे दे के ऑल्सो बिलेटेड। हाँ ये देख लो सब मान भी रहे हैं। कहाँ कहाँ ये रहा हमारा फाइनेंसर, बूढ़े पर्स रखते हैं देखो पकड़ा हुआ है। ऑल राइट, तो सडन चेंज लगा होगा आपको लोकेशन के अंदर कि यार डिनर कर रहे थे और एकदम से गाड़ी में कैसे, तो गाड़ी में ऐसे है क्योंकि ये नेक्स्ट डे है। उस दिन हमने डिनर में किया, हमने साथ में सब लोगों ने, उसके बाद फिर घर चले गए और फिर मैं थक गया था और कुछ ऐसा कुछ खास व्लॉग करने को था भी नहीं, लेकिन अभी कुछ खास व्लॉग करने के लिए है। और लोग जनरली क्या करते हैं, हम अपनी बाइक उठाते हैं, अपनी कार उठाते हैं और बस मार्केट में चले जाते हैं, घूमते हैं, पैदल भी कम चलते हैं, जॉगिंग तो खैर भूल ही जाओ, अगर पैदल ही नहीं चलते जॉगिंग कैसे करते हैं। तो मैं अपने रूटीन के अंदर एक नई चीज़ आज से इंक्लूड करने जा रहा हूँ और उसी के लिए मैं बाहर निकला हूँ। आज हम जा रहे हैं बाइसाइकिल परचेज करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, बाइसाइकिल परचेज करने के लिए हम जा रहे हैं। उस पर भी चलाएंगे, थोड़ा फन करेंगे, चिल करेंगे। और हाँ, एक बात का मैं ध्यान रखूँगा, नॉर्मली क्या होता है ना कि हम कुछ हाई एंड चीज़ें खरीद लेते हैं, हम उसका फिर यूज़ नहीं करते। जैसे कि मेरे पास अभी करंटली दो बाइक हैं, एक्चुअली तीन हैं, दो हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। एक तो है मेरे पास में पल्सर और एक बुलेट है। बुलेट आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा, और पल्सर आपने वो सिद्धनाथ वाले व्लॉग में देख लिया होगा, अगर नहीं देखी ना तो जाके देखो। तो हमेशा वो चीज़ परचेज करो जो आप रेगुलरली यूज़ करो, काम की हो, नहीं तो वो बस यूं ही पड़ी रहती है। तो हम एक बेसिक बाइसाइकिल खरीदेंगे क्योंकि मुझे ज़्यादातर रोड पे ही उसको चलाना है, कुछ माउंटेन टेरेन वगैरह पे नहीं चलाना है, एमटीबी की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे हाइब्रिड की ज़रूरत है। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी साइकिल पसंद आती है और कौन सी लेते हैं। और आप भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही खरीदें, तो अकलमंदी की बात है। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और बाहर चलते हैं। साइकिल मार्केट के अंदर जो कि घंटाघर के जस्ट पास वाली गली है। चलो चलो भैया, ये चू चू मत करो। और है ना, और मेरे पीछे साइकिल की बहुत सारी दुकानें हैं, ये देखो तुमको दिखाता हूँ मैं मोड़ के। ऑल राइट, तो एक साइकिल अभी पसंद आई है तो अभी लैंड में दिखाता हूँ, पहले क्या पूरा मार्केट में देखना चाहता हूँ, अगर और भी कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तो लेनी है अब।
बी और आगे बी लगा दोगे तो मेरे चैनल का नाम बन जाएगा। कर दिया स्टैंड। ऑलराइट, तो आपने एक तो मैंने आपको साइकिल दिखाई थी बाहर मार्केट में, और अभी हम जोधपुर के साइकिल मार्केट में मेन आ रखे हैं, और ये सबसे बड़ा शोरूम आप पीछे देख सकते हो। अभी हम पीसी भंडारी नाम करके शॉप पे वहाँ खड़े हैं, और भैया मेरे साथ हैं। भैया आप हाय बोल दीजिए सब्सक्राइबर्स को मेरे। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सुरभित भंडारी है, मैं यहाँ पर देखता हूँ पीसी भंडारी, हमारा बाइसाइकिल शॉप है साइकिल मार्केट घंटाघर में उसके अंदर। तो भैया से मैं अभी यही बात कर रहा था कि अगर कोई बिगनर कोई लड़का होता है, जो बच्चा होता है, तो उसके लिए पहली बाइसाइकिल अगर कोई लेना चाहे तो गियर वाली, बिना गियर वाली, कौन सी उसको नॉर्मली परचेज करनी चाहिए? जो नॉर्मल बिगनर्स है उनके लिए तो हम सजेस्ट करते हैं जो नॉर्मल 26 साइज़ आता है, जिसने जस्ट स्टार्टिंग में शुरू किया है वो नॉर्मल साइज़ में ले जाए। जैसे अगर उसको एडवांस करना है धीरे धीरे, तो उसके बाद में फिर काफ़ी सारे ऑप्शन और अवेलेबल हो जाते हैं। 26 साइज़ क्या होता है? 26 साइज़ जो है ये व्हील का साइज़ आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है व्हील का डायमीटर होता है, मतलब 26 है। इसमें भी तीन अलग अलग साइज़ आ जाती है, 26 का है, 27 का, 29 का। और फिर जैसे अपग्रेड करते हैं तो फिर हाइब्रिड आ जाता है या फिर रोड बाइक आ जाता है, जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल्स के लोगों के लिए होता है। तो जैसे किसी का अगर बजट बहुत ज़्यादा नहीं हो तो कहाँ से शुरू हो जाती है बाइसाइकिल? अप्रॉक्स स्टार्टिंग रेंज है, इट्स लाइक 3200 से वो स्टार्टिंग के है। ओके। और अगर स्पोर्ट्स मॉडल का शौक है तो लगभग 5000-6000 से वो स्टार्टिंग हो जाता है। और उसके बाद तो जो अपने पास हाइएस्ट जो सबसे महंगी बाइसाइकिल है वो कितने की होगी? ये अभी जो मेरे पास अवेलेबल है 1,92,000 का, ये वाला मॉडल है। मतलब अराउंड 2 लाख रुपए की होगी। हमने फिलहाल ये वाली एक साइकिल देखी है, काफ़ी लाइट वेट है। क्या नाम है भैया? एवन का साइक्लक्स मॉडल है, ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छा है। जितना बजट में कम करके आया था धीरे धीरे ये बढ़वा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं डिस्काउंट भी नहीं दूंगा। गलत बात है यार आपकी। मार्केट में ऑलरेडी सर काफ़ी डिस्काउंट कर रखा है, इस वजह से बेस्ट लगा रखे हैं। मैंने इनको बोला है जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है आप अपना थोड़ा डिस्काउंट भी बढ़ाते जाओ, ताकि लेवल में आ जाए वापस मामला। इसका एक और नया मॉडल है अभी वो लेने गए भैया, बताता हूँ मैं आपको। ये लो। तो जो अभी आपको एक साइकिल दिखाई थी पहली जो पसंद आई थी उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है, 2.0। और इसके अंदर अभी थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी है, वो थोड़ा सा सिंपल है, तो उसकी वजह से थोड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। और ये कैब है, इसमें आगे एक डिस्क ब्रेक आ गया, ये रहा फ्रंट में डिस्क है, रियर में वी ब्रेक है। रियर में तो वी है, बहुत टाइम बाद में ऐसा लग रहा है कुछ चला ही नहीं रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, ज़बरदस्त बाइसाइकिल, ठीक है। मैंने तो जो ली आपको दिखा दी, लेकिन यहाँ की शोरूम की सबसे महंगी बाइसाइकिल दिखाता हूँ। और ये बाइसाइकिल आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाख रुपए की बाइसाइकिल है, आप देखो इसको। और ये हल्की इतनी है ना, मैंने पहली बार इसको हाथ में उठाया ना, मेरे को तो विश्वास नहीं है भैया, बहुत गजब की हल्की है ये। आप एक हाथ में भी, ऐसी बात नहीं दो हाथ लगा रहा हूँ, एक हाथ में भी आराम से ऐसे उठा सकते हो। और इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की बनी हुई है, कंप्लीट कार्बन फाइबर की है। जो जनरली लोग करते हैं कार्बन फाइबर फोक्स लगाते हैं, बट ये पूरा जो है सिंगल कार्बन फाइबर का बना हुआ है। बेसिकली ये ग्रेवल बाइक है, रोड भी नहीं कह सकते, नॉर्मल के लिए चलाने के लिए, ये इसको चलाने के लिए प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये नॉर्मल कोई भी चला सकता है। तो इसका मतलब मेन जो रीज़न है इतना हल्का होने का, वो कार्बन फाइबर ही है सबसे हल्का। इसकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गियर वगैरह, इसकी भी थोड़ा पैटर्न कुछ फर्क है। इसके अंदर जो नॉर्मल साइकिल के जो गियर है उससे स्टार्टिंग रेंज ही अप्रॉक्स 25,000 है, जो नॉर्मल 3,000-4,000 का लगता है। ये 25,000 का गियर सिस्टम ही स्टार्टिंग है। 105 है जो सबसे अच्छे गियर सिस्टम में से एक आता है, शिमानो का बना हो तो बेस्ट गियर सिस्टम। ये तो मैंने सुना है इसका। इसमें कितना डिस्काउंट दे रहा है मेरे को? इसमें भी डिस्काउंट नहीं है, फिक्स प्राइस है। आपके पास ही है ना? मेरे पास ही है। इनकी चलाएंगे कभी अगले व्लॉग में, इनकी चलाते हुए देखूंगा यार। ऑल राइट, तो अपन ने बाइसाइकिल तो ले ली है, और यहाँ पे हमारे टिंकू भाई मिले हैं मेरे को,
और इनके पास भी देख लो, ये भी अपनी बाइसाइकिल लिए खड़े हैं। और ये बाइसाइकिल भाई कितने की इनको बताओ तो सही। 1,60,000। 1,60,000 रुपए की बाइसाइकिल है। और ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर स्टंट करते हैं और जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना बाइसाइकिल के, उसके अंदर वे पार्ट लेते हैं इसलिए। और इनकी बहुत काफी मॉडिफाइड टाइप की हो रही है। नॉर्मल जो बाइसाइकिल से थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होता है, इसमें SLX हाइड्रोलिक ब्रेक्स है। शॉकर देखोगे तो आप, इसमें आगे वाला सस्पेंशन लॉकआउट सिस्टम है। ऑफ रोडिंग के लिए ब्लॉक भी कर सकते हो, नॉर्मल से ऑन भी कर सकते हो। स्टैंड भी लिखा है यहाँ पे। तो यार भाई फिर ना कहाँ पे करते हो स्टैंड बता दो, मिलते हैं फिर वहाँ पे। जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम। तो मिलके साथ में ब्लॉग करेंगे और वहाँ पे कैसे क्या स्टैंड होता है सब बताना आप, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आओ कभी। देख लो 1,60,000 रुपए की है भाई। तो PCB स्पेस में वापस आ चुका हूँ, घर पे आ गया हूँ। बाहर बहुत ज्यादा उमस है, मेरी हालत आपने देख ही रही होगी। अभी मुंह जस्ट मैंने धोया है। और कैसी लगी बाइसाइकिल शॉपिंग नीचे कमेंट करके बता देना। इतना सब कुछ नहीं बताया लेकिन जितना किसी को बाइसाइकिल खरीदने के लिए एक स्टार्टिंग गाइड चाहिए वो टिप्स भी दिलवा दी। और आज मैं तुमको फुल कार्बन साइकिल से फुल कार्बन फाइबर से बनी हुई बाइसाइकिल भी दिखा दी जो कि थी 2,00,000 रुपए की। तो कैसी लगी वो साइकिल वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। और बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और जितना फुल जो एक कहते हैं ना टूर और एक वो साइकिल दिखाना, वो आने वाले वीडियो में मैं तुमको दिखाई दूंगा। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मैं खुद एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि हमेशा मैं एंड में कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और जाते जाते लाइक का बटन और वो सब्सक्राइब कर जाना, ठीक है, याद से। चलो बाय।